रामनवमी के जुलूस धूमधाम और शांतिपूर्ण से निकाले गए। प्रखंड के कोनहारा, कला, बरकट्ठा, झुरझुरी समेत आदि जगहों पर महावीर झंडे के साथ जुलूस निकाला गया। क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। हालांकि सरकार द्वारा डीजे पर पाबंदी लगाने से युवा वर्गों में निराशा दिखाई दिया। वहीं प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। जो आज आप रामनवमी में राम भक्तों को आज शरबत पिला करके क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं कि जो हमारा गांव है, गांव हमारा एक नाव पर चल रहा है, ये दूसरा नाव इसमें कोई अगर कोई आदमी आके छेड़खानी करता है उसके लिए हम लोग ताकतवर आदमी खड़े हैं और इस ताकत उसका ताकत को कमजोर करने के लिए हम लोग ये चीज़ हम लोग साबित करना चाहते हैं कि हम लोग अच्छा है। हम लोग एक भाईचारगी में है, एक जैसे हम लोग गाँव में बसे हुए जैसे मेरा पुरखा से आ रहा है उस तरह से हम लोग अभी तक चल रहे हैं। आज आप लोगों के द्वारा एक बहुत ही मिसाल पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम नहीं कहना चाहेंगे इस पर कि जो मिसाल हमने कायम किया है ये सदा कायम रहे और हमारे गांव में जैसे हमें हमेशा भाईचारगी बनी आ रही है, ये आपस की मोहब्बत, मिलन, कुवत, भाईचारगी हमेशा कायम रहे और हर मजहब के लोग अपने खुल के मजहब बनाए। आज आप प्रखंड में बहुत अच्छे संदेश दिए हैं भाईचारगी का, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या संदेश आप पेश करना चाहते हैं? मैं ये संदेश आपसी भाईचारा दोनों समाज से मैं एक मोहब्बत प्यार भरा मैंने जो हम लोग आपसी भाईचारा में जो खुशी मिलती है वो हर चीज़ में खुशी नहीं है। कुछ लोग हैं शरारती लोग जो उस पर बागावे में नहीं आना है। हम लोग को एक अच्छा मैसेज भाईचारे बना कर रखने के और इसे जो खुशी मिलेगी और चीज़ में नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों समाज मिल के हम लोग एक नई पहल करें और एक नई सोच देखें, एक नई भारत बनाए निर्माण करने की कोशिश करें। आज कोनहारा कला में जहां रामनवमी को लेकर भव्य जुलूस किया गया है, आज वहीं पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा राम भक्तों को शरबत पिला करके एक भाईचारगी का संदेश दे रहे हैं और ये भाईचारगी का संदेश कि अपने आपस में अच्छी व्यवहार बनी रहे और अच्छा संदेश लोगों में जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं रामा जी ये बोले कि हम लोग एक नई पहल करके एक नया भारत बनाने की कोशिश किया जाए। ईश्वर यादव, खबर 24, बरकट्ठा।